हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लिक्विड आईलाइनर को वाटर लाइन के नीचे से कैसे अप्लाई करना है। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। सबसे पहले हमें काजल लगाना है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी आइकॉनिक काजल। आप कोई भी काजल अप्लाई कर सकते हैं। हमें हमारे वाटर लाइन पर काजल अप्लाई करना है। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी आईलाइनर। मैंने यहाँ पर लिया है लैक्मी का इंस्टा आईलाइनर। ये आईलाइनर सबके पास ही अवेलेबल होता है। तो हमें ब्रश को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और इसमें जितना सा प्रोडक्ट है हमें इसमें से लाइन क्रिएट करना है। हमें लैशेस के नीचे से छोटे छोटे स्ट्रोक में ऐसे लाइन ड्रॉ करना है और हमें पहले आँखों के कॉर्नर में से लाइन क्रिएट करना है और हम पहले थिन लाइन क्रिएट करेंगे, उसके बाद इस लाइन को थिक करते जाएंगे। अब हम ब्रश में पहले से थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट लेंगे और हम पहले जो लाइन क्रिएट किए थे इसके ऊपर इस लाइनर को अप्लाई करना है। इससे हमारा आईलाइनर डार्क दिखेगी। आईलाइनर लगाते समय लैशेस पे आईलाइनर लगेगी, तो आपको इसे फिंगर से या फिर एयर ब्रश से क्लीन करते जाना है। अब मैं थोड़ा कॉर्नर में भी आईलाइनर लगा लूंगी। अब मैं अपर लिड के कॉर्नर में थोड़ा सा आईलाइनर लगा रही हूँ। इससे हमारा आई मेकअप बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे मस्कारा। मस्कारा के बिना तो आई मेकअप इनकम्प्लीट है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मी आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा। तो मैं लोअर लैशेज में भी मस्कारा लगा रही हूँ और इसके साथ मेरा आई मेकअप कंप्लीट होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।